हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं। तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है पार्ट टू में। और अभी हम लक्की ये ढाबे पे रुके हैं नाश्ता वास्ता करने के लिए। ये लोग सारे अंदर हैं। तो अभी हम आ रखे हैं लक्की के ढाबे पे। तो राजू भाई ने ऑर्डर करा है। क्या ऑर्डर करे राजू भाई आपने? पराठे ऑर्डर करे भाई इन्होंने। तो ये भाई चारों चार लिए आए हैं। अभी पराठे भी हमारे आ रहे हैं भाई। थाली कुछ ज़्यादा ही बड़े है साइज। देख रहे हो भाई थाली का साइज़ देख रहे हो कितना बड़ा है। ए राजू भैया थाली का साइज़ देख रहे हो कितना बड़ा है। पराठे का साइज कितना बड़ा होगा। तो ये भी इधर बैठा हुआ भाई। और भाई इसकी भी हालत नींद के हमारे सस्ता हो रहा। अचार भाई अचार भी इन्होंने चार टाइप का अचार दिया है। पता नहीं किस किस का है क्या कहीं पता चलेगा। सर फूड नहीं कहाँ आएगा भाई। शील्ड ये दोनों लगे अपना बात करने में। हम वेट कर रहे हैं हमारे पराठे कब आएंगे। भाई छोड़ दो फोन छोड़ दो थके नहीं क्या? क्या चला रहे फोन में? देखो भाई चैटिंग चल रही है। ओ भाई हम फाइनली हमारे पराठे आ गए हैं। भाई प्लेट का साइज तो इतना बड़ा था तो मुझे लगा पराठा भी इतना ही बड़ा होगा लेकिन पराठा तो छोटा निकला। पराठा तो इतना छोटा भाई। पराठा तो हमने सोचा था राजू भैया बहुत बड़ा होगा। है राजू भैया? राजू भैया कॉल पे बिजी हैं अभी। जरा कॉन्सेंट्रेट रही हो। पराठा सनी भाई टेस्ट करके बताएंगे उसके पराठे का टेस्ट कैसा है। ओ भैया टेस्ट करके बताओ उसका पराठे का टेस्ट कैसा हुआ। राजू भैया ने टेस्ट कर लिया। राजू भैया ओ राजू भैया टेस्ट कैसा है इसका? चलो भाई मैं भी ट्राई करता हूँ। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तुम्हारा नाश्ता पीना हो चुका है डन। अब निकलने की तैयारी करा रहे हैं और ये अपना करा रहे हैं फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। भाई देख लो फोटो वोटो खिंचवा रहे हैं। खाना डॉन कर लिया हमने मस्त बढ़िया पराठे थे। तो आप भी जब भी आओ तो यहाँ रुको। चले फिर चलो भाई। हाँ भाई पैसे दे दो बगैर पैसे के जाओगे। फिलहाल हम यहाँ पे चेकिंग होगी हमारी। हमारे कार्ड आईडी कार्ड वगैरह चेक होंगे क्या? हाँ यहाँ पे कुछ चेकिंग होगा वैसे। चलिए चेकिंग वेकिंग कराते हैं फिर। तो अभी हमारी यहाँ पे चेकिंग होगी। और ये कुछ ऐसा है यहाँ पे एरिया। भाई यहाँ पे चेकिंग पूरे आर्मी वगैरह खड़े हैं। तो अभी हमें फ़िलहाल परमिट निकालना पड़ेंगे जो कि हमारे बैग में रखे हैं। तो भैया निकाल के अभी खोल रहे हैं इसके पीछे की डिग्गी ताकि हम निकालते हैं अपने परमिट वगैरह। भाई व्यू की देखो कितना मस्त आ रहा है एकदम। पहाड़ी पहाड़ी सिक्योरिटी कितनी तेज हो रही है। और वहाँ पे देखो श्री अमरनाथ जी यात्रा का बोर्ड भी है। वहाँ से RFID कार्ड मिलेंगे ना भैया? हाँ ट्रैक कर सकते आर्मी वाले मतलब। सही हमें अमरनाथ से अमरनाथ में चार दिन से ज़्यादा लग जाएंगे तो वो हमें ट्रैक कर। सही है। अच्छा वो भी हमें यहीं से लेना पड़ेगा। बढ़िया। बाकी बंदे भी उतर रहे हैं अपने धीरे धीरे कार से। चेकिंग कराने कहाँ जाना पड़ेगा? वहाँ सामने जाना पड़ेगा। अच्छा भाई चलो देखो टाइम लगा। तो अभी हम जा रहे देखते हैं। वैसे यहाँ पे शायद ही वीडियो बना दें। अभी बंद कर दूँगा कैमरा के अंदर कोई भूले ना इससे पहले खुद ही बंद कर दो। चलो देखते हैं। यहाँ पे खाली पड़ा है। यहाँ पे लाइन में लग चुके हैं। सब अपने आईडी कार्ड वो ला रहे हैं। आधार कार्ड दे दो भाई सबके अपने। और वहाँ पे चलो अमरनाथ जी यात्रा जी का बोर्ड लगा है। और भाई पूरा आर्मी एरिया है।
पूरा सिक्योरिटी वगैरह है सब। मस्त नींद आई होगी आपको बस में एकदम, देख रहे हो उनके चेहरे से पता चल रहा है इनको, और हमारे चेहरे देखो नींद ही नहीं पूरी हमारी। भाई बहुत थक गए। फाइनली अपने को रिपेयर आईडी मिल चुकी है। भाई देखो मिल गई, इनको भी मिल गई, मन को भी मिल गई। भैया भैया बच्चे हैं वो लेके आ रहे हैं अपना, तो स्टार्ट करेंगे अभी। यहाँ से जा रहे हैं जम्मू। जम्मू फिर वहाँ से कहाँ जाएंगे? जम्मू आज रात में। सही है, फिर अगले कल से स्टार्ट होगा फिर। सही है। तो भाई हम सबको मिल चुका है रिपेयर आईडी कार्ड। भाई सब दिखा दो, हाँ दिखा दो। चलान लेंगे 500 रुपये पर बंदा, ठीक है ना? बहुत सस्ता ही है तो है? कम से कम 1,00,000 तुम दे दो भाई, 50,000 दे दो तुम, मेरा आदमी इंसान। ड्रिंक वाटर, वाटर ड्रिंक करने दो। लेकिन भाई कुछ भी इलाका तो बड़ा प्यार है, व्यू अच्छा आ रहा है। तो अपने लिए सिम ले रहे हैं क्योंकि आगे इनका नेट नहीं चलेगा। तो लोग सिम ले रहे अपने लिए क्योंकि आगे नेटवर्क आ नहीं रहा किसी का, मतलब यहीं से नहीं आ रहा नेटवर्क। फिर वहाँ पे गए हुए हैं सिम देने अपने दोनों। तो ये बता रहे हैं भैया कि टैक्स कटने में 1 घंटा लग जाएगा कम से कम। हम जम्मू पहुँच चुके हैं और हमारी हालत हो चुकी है बहुत ख़राब। थक गए, नींद आ रही है। तो फटाफट खाना खाएंगे और सो के फिर कल पहलगाम के लिए निकल रहे हैं हमारे ट्रैक के लिए। भैया और जो आ ही रहे हैं चलते रहे। यहाँ पे लंगर वगैरह चल रहा है। और भाई कैसे हालत हो रही तुम्हारी? हाँ कर रहा हूँ भाई। राजू भाई की सिम हो गई बंद, इन्होंने पोस्टपेड कराई थी, कोई फायदा नहीं हुआ। अरे भाई पैसा वेस्ट। तो अभी हम जा रहे हैं अपने बैग की चेकिंग कराने। हम तीनों के बैग चेक होंगे और मेरा बैग थोड़ा गीला भी हो गया, पीछे बारिश आ रही थी। राजू भैया तो आगे आगे जा रहे हैं वो, तो अभी हम सबके बैग की चेकिंग होगी, देखते कितना टाइम लगता है। भाई थकान हो रही है बड़ी गंदी वाली। भाई देखते हैं कहाँ तक आ रही है लाइन में। भाई यहाँ पर हर जगह जगह पे ना आपको सिम मिल जाएंगी, यहाँ से लोकल सिम उठाओ क्योंकि यहाँ पे और किसी सिम के तो आपके नेटवर्क आएंगे नहीं, तो यहीं से सिम लो और बढ़िया यूज करो। चलो कितने की बढ़ती है यहाँ से? सही यार, 320 रुपये। अभी आप लोग भी अभी तक अपना सिम ले लो, यहाँ से नेटवर्क तो आते नहीं है क्योंकि कहीं की सिम के यूज़ करो। मैं तो भाई आगे हो रही है चेकिंग। अच्छा वो आगे गए। सही है भाई, सही है। राजू भी तो आगे चला गए। हमारी चेकिंग हो चुकी है डन, हमारा चेकिंग भी डन नहीं हुई है जो भी है, तो चल रहे हैं हम आगे। भाई बैग हो रखा बीमारी क्या? राजू भैया भाई राजू भाई ने पार्टी कर ली, वो आगे आगे जा रहे, देखो अन किसी और के साथ। कोई नहीं भाई, बैग बहुत ज्यादा भारी हो रहा है। राजू भाई क्या आवाज मार, राजू भाई आगे आगे जा रहे हैं। राजू भाई
अबे और कितना चलना पड़ेगा भाई? आई कार्ड चलो पहन लेंगे ना, बोलेंगे बैग में तो डाल लूँगा, दो मिनट लगने यात्रा परमिट अपना। अभी बगल में पता नहीं क्या है, नाला बह रहा है क्या है, लेकिन लगता नाला रह गया जैसे पानी से गंदा हो रखा है। भाई आगे कितनी भीड़ है भाई साहब। तो अभी हमारी चिकन हो चुकी है डन, और अभी हम अपनी बस का वेट कर रहे हैं भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है इधर। ये लोग भी ये रहे भाई साहब। और राजू भैया हो गई चेकिंग? राजू भैया अपना लगे पड़े मस्त भाई साहब। रख दो भाई साहब, रख दो। राजू भाई पार्टी बदल के चले गए थे, उधर चले गए बातचीत, देख रहे हो हम अपने ग्रुप को छोड़ के, ये ग्रुप छोड़ के वहाँ जा रहे हैं। 6 तारीख वाले के साथ जा सकते हैं, 6 तारीख वाले तो मर जाते हैं। कोई नहीं, आप बढ़िया ना, फिर तीन वो और उनके साथ हम निकलने के चार बंद कर ले दो मिनट इसमें। तो भाई रात का समय है और 11:54 हो रहे हैं, तो हम सब लोग ऐसे बैठे पड़े हैं। और राजू भैया कैसा लग रहा है? मस्त नींद आएगी ना इधर? भाई देखो सबने अपनी, मैंने भी अपनी ऐसे पन्नी बिछा ली, बस आई नहीं है बैग, बस में सामान रख के फिर आगे चेकिंग तो पूरी हो गई है। उधर बाकी फौज भी दिखा दे भाई, बाकी बंदे देखो ना कितने सारे हैं, बाकी हमारी पब्लिक वहाँ पे कोई कहाँ पड़ा है, कोई कहाँ पड़ा है सो रहे सब, बस सब अपने सामान के। ये आज बुढ़ापा आ गया भाई, अब बुढ़ापा आ गया। तो मैं भी यहाँ पे बैठ रखा हूँ, थोड़ा सा ऐसे टेका लगा के बैठ गया, थोड़ा पन्नी वन्नी बिछा के भाई, थकान हो रही है बॉडी में। बस अभी आई नहीं है, बस की चेकिंग भी होना बाकी है, अभी बस आ जाएगी, फिर हम बस में जाएंगे आगे, 3 बजे करीब बस निकल जाएगी हमारी। तो मैं आपको थर्ड पार्ट में मिलता हूँ, सी यू सून।